हेलो गाइस, दिस इज शुभो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि यामा ऑफिशियल की तरफ से सामने निकल के आई है। गाइस, यामा ने अपनी एक स्पोर्ट्स बाइक को हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के बारे में सोच रही है जो कि इलेक्ट्रिक वेरियंट में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यामा ने यहाँ पे R15 की एक इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने के बारे में सोच रही है जो कि इसी साल यानी कि 2021 में इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। और यामा का एक और वेरिएंट इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें 2022 में देखने को मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पे आपको बता दूँ कि यामा अपनी R15 मॉडल को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च करने वाला है, बिकॉज कुछ रूमर्स से हमें ये पता चलता है कि यामा की R15 अभी इलेक्ट्रिक वर्जन में आएगी और वो भी इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में ही ये बाइक हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ FZ मॉडल भी इलेक्ट्रिक वर्जन में आने की पूरी चांसेस है। रिसेंटली बहुत सारे कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक्स मार्केट में पहले से मौजूद है और फ्यूचर में भी आने वाला है, क्योंकि अब पेट्रोल का प्राइस दिन ब दिन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैक्सिमम लोग अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। और कस्टमर की ये डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए यामा अब R15 और FZ मॉडल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने वाली है। सो गाइस, अभी जो लोग इन दोनों मॉडल्स में से कोई भी परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप इन दोनों बाइक्स के लिए भी वेट कर सकते हैं। आपको पता तो इस बाइक में क्या कुछ नया चेंजेस, क्या फीचर्स हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे R15 पहले जैसा था इलेक्ट्रिक वर्जन में भी बिल्कुल सेम ही सेम रहने वाला है। बाइक में जो भी फीचर्स पहले था बिल्कुल वही फीचर्स सेम टू सेम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इंजन को हटा के बैटरी आ जाएगी और FZ में भी सेम फीचर्स ही रहने वाला है, सिर्फ इंजन रिप्लेस करके यहाँ पे बैटरी लगने वाली है, जिसकी वजह से ये दोनों बाइक्स हमें इलेक्ट्रिक वर्जन में देखने को मिल जाएगी। गाइस, यहाँ पे सिर्फ इंजन ही चेंज होने वाला है, बाकी सारे फीचर्स बाइक में बिल्कुल ही सेम टू सेम रहने की वजह से बाइक की परफॉर्मेंस में कोई भी असर नहीं होगा। बाइक में वही सेम 155cc इंजन, LED हेड लैम्प, LED टेल लैम्प वगैरह वगैरह सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बाइक अभी चलाते हैं या आप जो बाइक खरीदने वाले हैं या जो भी आपका ड्रीम बाइक है, कितना अच्छा होता है अगर बाइक में कोई पेट्रोल का टेंशन ही नहीं होता। अगर आपने भी कभी ऐसा ना ऐसा सोचा है तो ये ड्रीम भी आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि यामा सिर्फ R15 या FZ के ऊपर ही नहीं बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक वेरिएंट होने के बावजूद बाइक की पावर या स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बाइक का पावर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकता है। और R15 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट अगर इंडियन मार्केट में आता है तो यहाँ पे बाइक का नाम भी चेंज हो जाएगा, और बाइक का नाम तो R15 नहीं REV होगा। हाँ, R15 का ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट इंडियन मार्केट में REV नाम से ही आने वाला है। और इस बाइक की प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक वेरिएंट होने की वजह से बाइक में थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है। बाइक हमें 2 लाख से लेके 2,50,000 तक देखने को मिल सकता है और FZ वेरिएंट का प्राइस 2 लाख के अराउंड हो सकता है। और अगर लॉन्च डेट की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस साल के एंड में या पहले साल की शुरुआत तक ये बाइक हमें इंडियन मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के बाइक रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ़।